गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम है। और आज का व्लॉग अब इस थॉट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस खुश होने का ये भी होता है कि जो लोग हमसे सच में प्यार करते हैं ना, वो हमेशा हमको खुश देख के उनकी खुशी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। तो कभी कभी ना एक होता है ना, ये एक फॉर्म होता है दूसरों अपने जो अपने लोग होते हैं उनकी केयर करने का। तो आप सब हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोगों को खुश देख के ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पर मॉर्निंग का ना अराउंड 6:30-7 o'clock को अराउंड सुबह में गौतम को लंच वगैरह देने के बाद मैंने फटाफट से शावर ले लिया था और यहाँ पे प्याज वगैरह फ्राई कर ली। फिर उसमें जो है अपना अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट वो भी फ्राई कर ली थी, और अभी बस जो है इसमें मैंने ये ऑरेंज वाले बेल पेपर्स डाल दिए, इसको भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद ही अनियंस डाल और ये टोमेटोज डाल के मसाला कुक कर लूँगी। मसाला तैयार कर लेंगे अभी, बाकी सारा काम तो बाद में करूँगी, लेकिन अभी जस्ट जो है ना सिर्फ मसाला रेडी कर ले रही हूँ। आने के बाद जो है रोटी लगाऊंगी और बाकी सारा काम करूँगी, क्योंकि आने के बाद करी, इंडियन करीज बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है, और इंडियन करी जब तक नहीं खाओ ना ऐसे मन नहीं मानता, पेट नहीं भरता। तो यहाँ पे अपने लिए टोमेटो का सिंपल सा सैंडविच भी बना दूँगा। ज़्यादा तो मैंने सोचा था कि क्यूम्बर है नहीं मेरे पास, तो बस टोमेटो सैंडविच, और अभी जाती हूँ फ्रेश रेडीमेड लेंस वेंस लगा लेती हूँ, उसमें मुझे टाइम लगता। यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा ऑयल लिया है, ये गया 2 तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, इसमें मैंने जो है तेज पत्ता, फिर जो है इसमें हम सारा प्याज डाल देंगे, मैंने फेंका, जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है तो अभी सॉल्ट डाल दूंगी ताकि प्याज जो है फटाफट से फ्राई हो जाए। ऑनियंस, बेल पेपर, ये सब कुछ साथ में फ्राई हो रहा है, तुरंत से फ्राई हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑनियंस और इसमें वो जो मसाला तैयार किया था अदरक लहसुन मिर्ची वाला, वो भी साथ में फ्राई हो चुका है। मैं सोच रही हूँ ना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि टोमेटोज़ को भी कुक होने में टाइम लगता है, मैं सोच रही हूँ लगे हाथ जो है टोमेटोज़ भी साथ में कुक ही हो जाए। निकलना है हमको और मैं लेट नहीं होना चाहती, तो बस ऑनियंस भी साथ में डाल के कुक होने ही देती हूँ। देखिए इतना मसाला भी कुक हो रहा है, तो इसमें बस थोड़ा सा हम कोरिएंडर पाउडर प्लस क्यूमिन पाउडर और थोड़ा सा जो है चिकन मसाला डाल देंगे, सभी को अच्छे से कुक होने देते हैं। जो वो लोग गौतम ने ना सबके लिए कॉफी बनाई थी, और यहाँ पे बिना किसी ऑयल या बटर के मैं ब्रेड को टोस्ट कर लूँगी, क्योंकि वेट पे भी कॉफ़ी बनाई थी। कॉफ़ी ना सबको इतनी अच्छी लगी, सब लोग बोल रहे थे कैसी रेसिपी है भाई, ये तो प्रॉपर प्रॉपर ऑथेंटिक यू नो फिल्टर कॉफ़ी लग रही है, कैसे बनाई है तुमने, मतलब सीरियसली। और मैंने भी टेस्ट किया, बहुत अमेजिंग था। मैं गौतम को बोल रही थी भाई कैसे बनाई है हमें भी बताओ, लेकिन सच में बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई थी, बहुत अच्छा लगा। और आज गर्मी मत पूछिए कितनी ज़्यादा गर्मी है, आज 35 डिग्री मीनिंग टू से 35 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरा पता नहीं क्या होगा, इसीलिए मैं बहुत ही लाइट सा जो कहते हैं ना लंच लेके जा रही हूँ आज। पिज़्ज़ा बर्गर मुझे नहीं खाना, मेरा वेट बहुत बढ़ गया इधर, तो आप देख ही सकते हो मोटी भी लग रही होंगी। 2 ब्रेड्स को ऐसे थोड़ा सा टोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, और इधर अपना कुक हो रहा है। और उसमें बस थोड़ा सा केचप, सॉल्ट, पेपर, दैट्स इट, जब मस्त अपना मसाला कुक हो रहा है। ये करी का एटलीस्ट बेस तैयार रहेगा ना, तो आने के बाद बस मुझे इसमें छोले डालने होंगे एंड आई एम डन, लाइक ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी, तो बस इसको पकने देते, क्योंकि इंडियन करी में ना टमाटर पकाओ, प्याज पकाओ, पेपर, और बस सिंपल, नो ज़्यादा हाई फाई, क्योंकि भाई वजन का भी ध्यान देना होते जा रहे हैं। ये गया पेपर, हो चुका है टमाटर, सॉल्ट, पेपर सब ले लिया है, और इसको बस सैंडविच के बीच में डालूंगी। मस्त सी रेडी हो गई है, तो इसको बस 2-2 पीसेस में कर ले रही हूँ ताकि खाने में आसानी हो।
ये देखिए अपनी सिंपल सी बोरिंग सी टोमेटो की सैंडविच ऑलमोस्ट कुकिंग हो गया कह सकते हैं, लेकिन ऑयल सेपरेट होने लगा है। अभी ऑलमोस्ट कुकिंग हो गया, बस इसमें छोले उबाल के डाल लो प्रेशर कुक करके और हो जाएगी अपनी सब्जी तैयार। यहाँ पे देखिए अपना चना जो है बॉईल हो गया है, फिर सबको इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अपना मस्त जो है ये छोले बन गया, मतलब कि ये मस्त सा छोले बन चुका है। सिटी बहुत छोटे हैं, बस ऑफिस की तरफ जा रही हूँ और बहुत लोग बोलते हैं, कंसर्न रहते हैं, मास्क क्यों नहीं पहनती। मैं मास्क पहनती हूँ बट व्हेन आई एम शूटिंग आई डोंट वेयर अ मास्क। ओके, सो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मुझे भी पता है मास्क पहनना ज़रूरी होता है। और बाहर देखिए सुबह मॉर्निंग का मैनहट्टन व्यू इतना अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। अभी 8:30 ही बजे और एक्चुअली मैं आज जल्दी पहुंच गई हूँ, इट्स गुड राइट, लेट पहुँचने से अच्छा डोर से शॉर्टकट मार लेती हूँ। लेकिन अभी भी वो टारगेट का डोर क्लोज्ड है तो मेरे को लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा, तो फिर चलते हैं ऑफिस। आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स लाइक पूरे टाइम ना ऐसे हीट वेव जैसा फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा यू नो लू टाइप की गर्मी है। मैं अभी जस्ट थोड़ा शॉपिंग क्या ऐसी, मुझे एक्चुअली एक अच्छा बैकपैक लेना था तो मैं प्रॉब्लम सोच पर एंटर करके देख ही लेती हूँ अच्छा बैकपैक मिलता है तो। मुझे थोड़ा रेड टाइप का केक मुझे बहुत अच्छा लगा। समटाइम्स इन ऑफिस यूज के लिए घर में इतना ब्राइट में नहीं लगाते, ये मेकअप सेक्शन में आने के बाद में निकलने का मन नहीं करता।
सारे शेक्स देख के ना मेरा कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा यूँ कौन सा नहीं कंफ्यूज। मेरा जो ब्रांड है ना टार्ट कॉस्मेटिक्स, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बिकॉज ये सारा यू नो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, ये लोग मेकअप बनाते हैं। मैं रियली लव दिस ब्रांड, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर लिपस्टिक देखती हूँ, आई गेट समथिंग। फाइनली टाइम टू लीव। मैंने शेड सेलेक्ट कर लिया है, मैं ऑनलाइन जाके, और मेरे को कुछ डिस्काउंट कूपन्स हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन जाके आई विल गेट इट डिलीवर्ड ऑनलाइन। बस मुझे यहाँ पे शेड देखना था, शेड्स का कलर देखना था, एंड क्योंकि सामने से देखो ना एक बार शेड का कलर तो ज़्यादा पता चलता है। बस अभी घर के रहने का कलर बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, और मैंने चाबी तो डुप्लीकेट बनवा ली है, तो आज एक सेट गौतम को दे दूँगी, तो मुझे ऐसे अब रश में ना निकलना नहीं पड़ेगा। और इतनी गर्मी है ना, सच में बैंड बच गई है। इतना एक्सपेंसिव बैग, इट्स जस्ट अ बैग, वाई स्पेंड सो मच मनी ऑन अ बैग, रादर उससे बेटर मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो बस अभी जो है मेरा चेहरा इग्नोर करिए, तो मुझे हीट वेव की वजह से ना पूरा ऐसे एग्जॉस्ट हो गया, ऐसे बर्न टाइप का हो गया। बस अभी जो है ट्रेन स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। टाटा बाय बाय न्यूयॉर्क सिटी, सी यू ऑन फ्राइडे। अभी न्यूयॉर्क सिटी हम फ्राइडे को ही आने वाले हैं, उससे पहले तो आएंगे नहीं। बीच में मूड हुआ था ऐसे शाम में आ जाऊँगी, प्रॉब्लम बहुत कम ही चांस है। कल ना मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया था, क्योंकि ऑफिस आने के बाद इतना ज़्यादा थकान लग रहा था ना, मैं जाके बस सो गई। आई डोंट नो, वो आदत ही छूट गया ना ऑफिस जाने का इस वजह से, या क्या एकदम ये लगता है एकदम ऑफिस जाने के बाद ना, मतलब लगता है एकदम चक्कर बेहोशी टाइप का आता है, और गर्मी की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है। कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस आके सो गई, और आज बस उठी, गौतम को लंच वगैरह दिया। लंच में भी मैंने उनको सैंडविचेस, एक तो पीनट बटर का उनको सैंडविच बहुत अच्छा लगता है तो वो दे दिया, और अपने लिए बस चाय बना रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा फील होगा ना, तो मतलब थोड़ा काम करने का एनर्जी मिलेगा, लेकिन रात को सोना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मतलब गर्मी की वजह से भी होता है ना, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। बस अभी अपने लिए देखिए आप चाय बना ले रहे हो, और इन द मीन वाइल जब चाय बन ही रही है तो सोच रही मम्मी को भी कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी आप लोगों से इतने देर से नहीं मिले हैं, और अब इंडिया में तो रात होगा। तो बस देखिए पहले ना चाय बनने के लिए डाल देते हैं, फिर मम्मी को कॉल करेंगे। चाय को एंजॉय करते हैं। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत अमेजिंग चाय बनी, एकदम पी के मूड फ्रेश हो गया। मम्मी किचन में घुसी थी, बोल रही थी रेसिपी शूट कर रही हूँ, लेट मत करना क्योंकि फिर मिस हो जाएगा। चलते फटाफट से चाय पीते मम्मी को कॉल करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं अभी सूखा पनीर का फ्राई टाइप का बनाने जा रही हूँ।
डाल दिया। छुट्टी देना थोड़ा जीरा डाल दिया। सब्जी काट रही हूँ, तेल जल गया है, इससे मैं प्याज मिर्ची डाल दूँ। इसमें शिमला मिर्च डालूंगी, टमाटर भी डालूंगी, बड़े बड़े पीसेज में शिमला को काट ली हूँ। टमाटर भी डाल देंगे, ग्रीन मटर भी डालूंगी जिसको मैंने गर्म पानी में डाल रखी है। प्याज टमाटर हरी मिर्च सब फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें मैं मटर और पनीर को जो फ्राई की थी तीन एग्स भी डालूंगी इसमें, पीस कट करके ये डाल देते हैं। ये मेरा पनीर और मटर जो है गर्म पानी में मैं इसे पहले से डाल रखी थी। मटर पनीर और अंडा शिमला मिर्च प्याज टमाटर और हरी मिर्च और छौंक में मैंने जीरा और 15 ml बस तेल डाली हूँ और उसी में भुजिया टाइप से हेल्दी सब्जी बना रही हूँ। क्योंकि मेरे बेटा को ऑयली और मसाले वाली सब्जी नहीं पसंद, इसीलिए मैं ग्रेवी वो खाता ही नहीं, इसलिए मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ। मैं अंडा को अभी कट कर ले रही हूँ। इसकी जो जर्दी जो है वो सारी निकल जाएगी, इसीलिए मैं इसको दो पीस में ही काटूंगी ताकि वो निकले नहीं, दो पीस में ही कट की हूँ। और इसको मैंने इसमें डाल थोड़ा सा इसको मिक्स होने तक हल्का, बस थोड़ा फ्राई हो जाएंगे। पनीर का जो वाटर जो है वो थोड़ा सूख जाएगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। प्याज और टमाटर मेरे पहले से फ्राई हो चुके थे, लास्ट में मैंने फ्रोजन मटर डाली हूँ और एग्स डाली हूँ और ये पनीर डाली हूँ। पनीर भी मैं फ्रोजन ही डाली हूँ। हेल्दी सब्जी, इसके साथ सिंपल रोटी बनाऊंगी। सब्जी रेडी हो चुकी है, बंद कर देते हैं। मेरी सब्जी रेडी हो गई, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।